देख रहा भाई स्टैंड बंदा खड़ा हुआ है। ओ सेट। अरे अरे देख देख रहा भाई कितना दूर लेके जा रहा है। तेरा कोई पीछे बैठा रहेगा ना तो भाई कितना मजा आएगा सोचो आप। सो है गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप सब? तो शायद आप लोग ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। और आज है भाई संडे, तो निकल रहे हैं संडे राइड पे, ठीक है। और वैसे तो मॉर्निंग के टाइम राइड पे निकलते नहीं है, मतलब दोपहर के टाइम, ठीक है, तीन या चार बजे निकलते हैं। तो आज जा रहे हैं मॉर्निंग के टाइम राइड पे, देखते हैं कहाँ जाता है, किस तरह का ब्लॉग बनता है। पता नहीं मुझे किस तरह का आज का ब्लॉग बनेगा, ठीक है। तो बंदे लोग आगे वेट कर रहे हैं मेरा, तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए तो चलो ब्लॉग में गाइस आगे बढ़ते हैं। तो गाइस चलो चलते हैं, और अभी आ चुके हैं भाई मेन रोड में। और अभी तो भाई दुर्गा पूजा भी चल रहा है, तो हम लोग का प्लान बन रहा था कि भाई जाएंगे हम लोग पैंडल देखने के लिए। बोल रहे हैं ITI मोड़ शायद उसका जगह का नाम है, तो उस जगह जाने का प्लान बना रहे थे कि पैंडल देखने जाएंगे। जबरदस्त मतलब पैंडल बनाया है भाई, ठीक है। तो देखते हैं भाई आजकल के अंदर शायद कोलकाता जा भी सकते हैं या फिर नहीं जा सकते। मेरा लेट हो गया, मैं पोल्टू के लिए वेट कर रहा था कि उनका बाइक से जाएंगे राइड पे, क्योंकि उनका बाइक तो भाई आप लोग जानते होंगे। उनका बाइक राइड करने के बाद ना मेरा बाइक राइड करने का मन ही नहीं करता है। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास जो भी है भाई उसी से ही सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, ये भी किसी के पास नहीं है। और आज नए नए बंदे से मिलने वाले हैं, और मेरा तो भाई मकलूसुर भाई जो है मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है। दो तीन दिन से फ़ोन कर रहे हैं, पता नहीं उसे क्या हो गया है या फिर नहीं, शायद ज़्यादा घमंड भी हो सकता है, सब्सक्राइबर ज़्यादा हो गया है भाई, ठीक है। तो चलो सबसे पहले अपना बाइक में फ्यूल अप करवा लेते हैं। कैसे हैं? बढ़िया। अभी काम कर रहे हैं मतलब अभी घूमो, नया नया बाइक लिए हो? कुछ नहीं है ना, कंपनी का काम है। ऐसा तो नहीं होगा, छोटी मोटी मत करना भाई। बढ़िया, चलो भगाते अपना बाइक में फ्यूल अप कर चुके हैं। अभी कल आएंगे भाई रिएक्शन मतलब ब्लॉग बनाने की मैं कोशिश करूंगा। देख अभी हमारे पाकोसुटी में तो पेंडल अच्छा सा, बहुत अच्छा सा पेंडल बनाया है, वो भी आपको एक ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा। मैं सोच रहा हूँ हीरो बोल रहा है कि मोटर ब्लॉगिंग करो, अरे हैंड ब्लॉग भी बनाओ। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई गोपुरों में ना भाई हैंड ब्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होता है। वीडियो बंदे लोग कहाँ पर है? यहाँ पर तो है नहीं। कैसे हो? बहुत लेट हो गया। कैसे हो सब? बढ़िया ना? तो चलो लेट किस बात की। हाँ बंदे लोग थोड़ा पीछे है, वो तो मेरा डुक लेके उनका तो भाई मुकाबला नहीं कर पाएंगे, बट मजा आएगा, ठीक है। तो गाइस अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अपना भाई का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पकड़ो सर, ब्रेक लेके पीछे रह जा रहा है। मुकाबला कर पाएंगे तो मेरा मैं भाई नहीं छोड़ूंगा, बस अभी तो मेरा उनसे मुकाबला कर ही नहीं पाएंगे, कभी भी मेरा हमको पछड़ देगा वो बंदा भी ना भाई। बहुत तेज बाइक भगाता है, लेकिन मैं बोलने के बाद ही वो भगाया। क्या मौका मत छोड़ो भाई, इस तरह का ब्लॉग बनना चाहिए। अभी 20 तरह मोहली मत मारो। बंदे भी क्या कर रहा है, MT वाले भी इतना गुस्सा में आ गया है। ओ रिक्स मत लो भाई। ओ शिट, अभी भाई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता भाई, अभी इन लोगों के चक्कर में हमको नहीं पड़ने का, अभी उन लोगों का लग गया ना। इतना टर्निंग है भाई, मजा आएगा सच में। जी थका कर रहा मेरा भाई, हम तो समझ नहीं पा रहे थे। ऐसा नहीं करेंगे भाई, धीमे धीमे भगाएंगे। अभी मेरा बाइक में उतना बैलेंस भी उतना कंट्रोल वाला नहीं है ना, ठीक है। वो बंदे को मतलब टोटो जो खड़ा हुआ था उनको ठोक देता मैं। हाथ तो भाई बाल बाल बच गया सच। कैसा दिया? हुईली मारना है क्या? मतलब हुईली मारेगा। अरे अरे भाई साहब, वो MT वाले भी थोड़ा सा जानता है कि मोटर ब्लॉगिंग जब कर रहा है तब इनको तो भाई गुस्सा दिलाना है। तो नहीं कर पा रहे ना, नहीं तो भाई दिखाते भाई किसी तरह भी नहीं होगा मुकाबला उनसे मेरा। डुक वाले कर पाएगा, ये सिर्फ कर सकता है। भाई मजा नहीं आ रहा है।
इतना सा राइड किया है भाई, उतना मजा नहीं है आज। जिस तरह आज आज का दिन मजा लग रहा है भाई, आज तो भाई क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो, पीछा करो, इनको थोड़ा आगे जाने देंगे हम। डुबक लेकर पीछे रहेंगे तो भाई डुबक लेने का मतलब ही क्या रहा था। तो भाई साहब ऐसा मत करो, इतना रिस्क मत लो मेरा भाई। टू लोग कहीं निकल गया, मतलब इस साइड में फर्स्ट टाइम आया हूँ भाई, अगर फिर से फ़ोन करना पड़ेगा दोबारा। कौन साइड गया? ये देखो भाई पापा के पड़िया सब। ओ भाई यहाँ पे तो भाई ज़बरदस्त मेला बैठा हुआ है भाई, इस तरह कोई पीछे बैठा रहेगा ना तो भाई कितना मज़ा आएगा सोचो आप। जब लॉन्ग राइड पर करेंगे तो भाई ऐसा सपना है भाई पीछे बैठाना है, आगे जाना तो बस वाले भैया। ये भी 125cc है बट मेरा मुकाबला नहीं कर पा रहा है वो तो मेरे साइड आगे मेरा निकल ही नहीं पाया है। चलते बाइक में खड़ा होना है, अभी देखो बंदा खड़ा हो रहा है भाई, ऐसा मत करो, हमको बहुत डर लगता है भाई, ये बहुत रिक्स वाला काम है भाई। राइडर लोग को मतलब कुछ सब्सक्राइबर के लिए कुछ करना पड़ता, देख रहे हो भाई स्टैंड बंदा खड़ा हुआ है, अब हुईली भी मारेगा। देख रहे हो भाई कितना दूर लेके जा रहा है, और भी ज़्यादा दूर लेके जाता है, मैंने सर आई देख रहे हो भाई। पोल्टू का बाइक बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं हम, अगर पोल्टू भाई का एवरेज 160 रहता आज तो उनका टॉप स्पीड चेक कर लेते हम भाई। वैसा सड़क मिल नहीं रहा था कि पोल्टू भाई का बाइक जो टॉप स्पीड चेक करेंगे हम, तो मुझे धोखा दे दिया। अरे अरे बापी, ये बाइक इतना टर्न नहीं होता भाई, शूज जो है ना भाई नीचे चल जा रहा है। ये सब जगह में राइड कर रहे मजा कुछ अलग है। अभी जा रहे हैं पहाड़ के ऊपर, सच में यार डूक तो डूक ही है भाई, जा रहा है भाई। अब ये 252 में लग गया है, इतना नजदीक मत लो। अरे फिर से दोबारा खड़ा हो रहा भाई, हुई नहीं भाई। बाइक में सोना बड़ी बात है भाई, भाई सो जा रहा है भाई, तकिया ले लो भाई तुम सो जाना। ये बंदे का भाई एग्जॉस्ट लगा हुआ है ना तो भाई साउंड क्वालिटी जो मस्त आ रहा है भाई। रुक यहाँ पे रुकते हैं और यहाँ पे रील वगैरह शूट वगैरह करेंगे। तो गाइस अभी यहाँ पे रुके हैं, ठीक है। वो भैया बोल रहे हैं कि हुईली वगैरह मारेंगे और यहाँ पे खाली जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे हुईली मारने के लिए बेस्ट जगह है और रिलैक्स राइडर भाई का तो भाई बात ही कुछ अलग है। देखो हुईली वगैरह मार रहा है, बहुत दूर तक लेके चल जा रहा भाई खतरनाक भाई। ये देखो भाई बाइक को पूरा खड़ा कर दे रहा है। अरे तो बोलो कि होली कहाँ पे सीखे हो पहले, सबसे पहले ये तो बताओ। मैं खुद ट्राई किया, खुद हमको सिखाएगी कि नहीं? हाँ आज तुमको सिखाएंगे नहीं तो कब समय लगेगा? फैन की बारे में बात करो, मैं भी थोड़ा फैन हूँ, ठीक है। भाई मतलब भाई तो होली वगैरह बहुत अच्छा मारता है, ठीक है। तो भाई मैंने बोला था कि होली वगैरह सिखाना है, एक दिन में सिखा देंगे हम लोग, एक दिन में नहीं सीखना है भाई, समय लेना, ठीक है। ये सब एक दिन का काम नहीं है तो अच्छे करके ही करना है। भैया का जो चैनल का नाम है भाई, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रिलैक्स राइडर, ठीक है। तो भैया का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो भैया का चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अच्छा अच्छा शॉर्ट वीडियो डालता है और मारना दिखाएंगे, रुको एक मिनट। हाँ ठीक है, ये ना अभी ये बोल रहे हैं स्टॉपिंग वगैरह मारेगा। अरे इस तरह में खड़ा होना भी डर लग रहा है क्योंकि भाई इतना तेज यहाँ पे बाइक ड्राइवर आता है ना, इतना दूर जाएगा तो कैसे होगा, यहाँ पे नज़दीक में आओ भाई। बट जो भी कर रहे हैं संभाल के, ठीक है, आना जाना कर रहा है लो, स्टॉपिंग मारेगा, ठीक है। मतलब पिछला पहिया उठाना है बस, ट्राई कर रहा है, ट्राई मतलब जानता ही है अच्छे से, मतलब उठा पाता है। अरे तो गाइस अभी यहाँ पे रुके थे भाई नाश्ता करने के लिए और नाश्ता वास्ता सब कुछ हो गया है और भी थोड़ा आगे जाना है, बोल रहा है कि आगे एक ब्रिज है। टहलाओ ठीक है। तो चलो यहाँ पे भाई एक नदी है, नदी को वहाँ पे जाएंगे। ये लोग तो भाई DSLR से फोटो शूट कर रहा है। अरे कैसा कर रहा है भाई साहब ऐसा मत करो, लग गया क्या पैर में? ये लगा था।
इसलिए तो बोल रहे हैं सावधानी जो भी करना है। क्या टूट गया, क्या खुल गया है? उतना आसान से टूटता नहीं है बट चलो चलो ठीक है, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। ब्रेक में रहे कर लॉक हो गया, ये अभी हो गया क्या? नहीं लाउडा लॉक हो गया, चलो हैंडल टेढ़ा हो गया, हैंडल जो यहाँ पर ठेकता नहीं है। तो गाइस अभी यहाँ से निकल गए हैं, यहाँ पे सोचे थे कि रील वगैरह बनाएंगे इस जगह पे, रील वगैरह शूट बहुत अच्छा होता, लेकिन मतलब नहा रहा है ठीक है, तो इसी के चलते वहाँ पे नहीं गए। और ठीक है, अरे बंदा लोग तो भाई वहाँ जाकर गिर गया था, और गिरने के बाद बोल रहे हो वाला ब्लॉग में अपलोड मत करो, तो कोई बात नहीं, देखते हैं घाट जाके सोचेंगे। तो गाइस अब मेरा बाइक को क्या हो गया, इस अभी का सीन कुछ ऐसा है ना भाई, मेरा बाइक जो है स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई कंटिन्यू 100 के ऊपर बाइक चल रहा था, तो इसलिए इंजन जो है ना भाई बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। आप लोग बिलीव नहीं करो तो आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ, ठीक है, स्टार्ट नहीं हो रहा है भाई। अभी स्टार्ट नहीं होगा भाई, देख रहे हो भाई, बार बार सेल्फ मारना भी ठीक ठाक नहीं रहेगा, अभी इंजन को थोड़ा 5-10 मिनट रोकना पड़ेगा, ठंड हो जाएगा, उसके बाद फिर से दोबारा अपना एनएस जो है स्टार्ट ले लेगा। आधा घंटा वेट करने के बाद मेरा बाइक जो स्टार्ट हो गया है, मतलब इंजन जब तक ठंड नहीं होगा तब तक स्टार्ट नहीं होगा। इलाके में थोड़ा डर लग रहा था इसी के चलते कि देखो पूरा सुनसान जगह भाई, कोई भी नहीं है, इसी कंटिन्यू 100 के ऊपर भगा रहे थे ना, इसी के चलते थोड़ा सा वो दिक्कत हो गया। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं, एंड आई होप कि वाला ब्लॉग आपको देखने में थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और तब तक के लिए आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं गाइस, टेक केयर, बाय।